जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हिंदी में देख लेते हैं, कोडिंग के प्रश्न को हल करने का तरीका, ठीक है। कोड के लिए दिए गए वर्डों, हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेनराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल ये हम कनेक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल थोड़ा सा विलंब हुआ है ना। चलिए बिल्कुल ये वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लिंक को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, है ना। बिल्कुल फटाफट से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भी बुला लीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं 11th ऑफ अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की तरफ, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, दोहे की तरफ, देखते हैं आज का दोहा हमें क्या सिखाने वाला है। दैट इज चले फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दियर बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं, आज का दोहा क्या है, आज की जो चौपाई है वो है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वता कारा। डियर ये वो चौपाई है जब हनुमान जी लंका पार करके सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, उस टाइम जामवंत ने उनको उनकी ताकतों का, उनको उनके बल का याद दिलाया था और बोला था, कौन सुच काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था, है ना डियर, मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था, उनकी ताकतों का भान कराया था कि आप कितने बलशाली हैं और राम काज के लिए, राम के काज पूर्ण करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है ना। हनुमान जी को जब ये बताया जामवंत जी ने, वैसे ही ये सुनते ही उन्होंने अपना विशाल पर्वताकार शरीर धारण कर लिया हनुमान जी ने और बिल्कुल निकल पड़े। तो यार इसी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम और आप ना कर सकें, हमारे पास असीम ताकत है, असीम क्षमताएं हैं, बस हमें इंस्पायर होकर अपने पॉजिटिव वाइब के साथ हमें बस शुरू करना होता है, हमें सोचना होता है। अगर हमने सोच लिया कि हम कर लेंगे तो फिर हम कर लेंगे, हमको वो करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अगर सही तरीके से चीजों को कर रहे हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो हम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल शुरू कर पाएंगे। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। प्रतीक्षा आ चुकी है, आकांक्षा आ चुकी है, सुरभि सिन्हा बिल्कुल बोल रही है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को, आप सभी को गुड मॉर्निंग एडियर, है ना, आप सभी को गुड मॉर्निंग एडियर, है ना, आप सभी को गुड मॉर्निंग एडियर, है ना। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। तो डियर बिल्कुल आई होप आप चौपाई समझ गए होंगे, कौन सा काज कठिन है, कोई भी काज कठिन नहीं है, है ना। तो बिल्कुल इसी चौपाई के साथ शुरू करेंगे एक बार फिर से चौपाई को, कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वता कारा। तो ठीक है डियर, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल देखिए दर्श रॉय बोल रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग फ्रॉम 1, 2, 3 बैच, 1 से 3 के बैच के हैं, बिल्कुल वेरी गुड डियर। इसके अलावा भी 10:30 से 12:30 बैच में भी हॉल 22 बताया है किसी ने, वेरी गुड डियर, आप सभी को जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को इसी चौपाई के साथ। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज फर्स्ट स्लाइड डियर, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो।
इस सेशन में पहले हम लोग कुछ टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद में स्टैटिक जीके के पार्ट पे या कंपाइल करंट अफेयर के फैक्ट पे कुछ डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद में हम लोग फिर आपका क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के बाद में हम लोग चलते हैं क्विज विनर की तरफ, और विनर के बाद में हम लोग टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये कंपाइलेशन हमारा रहता है पूरा सेशन का, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, है ना। तो दैट इज फर्स्ट न्यूज, फर्स्ट न्यूज आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन को क्या दे दिया गया है, इसको इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए यहां पर जो है मंजूरी इसको मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी जो बनिहाल से बारामूला कॉरिडोर पर चलेगी, बनिहाल से बारामूला कॉरिडोर पर चलेगी। यार ये रूट की बात करें तो ये रूट लेंथ है 137 किलोमीटर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, 137 किलोमीटर का रूट है ये, और ये सबसे पहली जम्मू कश्मीर की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ये यहां पर स्पेशल फीचर है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है जम्मू कश्मीर की जो कि बनिहाल से बारामूला कॉरिडोर तक रन करेगी। और डियर इनॉग्रेशन इसका जो हरी झंडी इसको दिखाई जाएगी वो 2 अक्टूबर को इसकी हरी झंडी दिखाई जाएगी, है ना, गांधी जयंती के दिन इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी 2 अक्टूबर को। प्रोजेक्ट जो डियर रहा था, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी कितनी थी, तो बिल्कुल इसी स्लाइड पे हम सारे पॉइंट देख ले रहे हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी 3-4 करोड़ की थी। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी, 3-4 करोड़ है। किलोमीटर कितना है, 137 किलोमीटर है, है ना, कहां से, बनिहाल से बारामूला। जम्मू कश्मीर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है डियर। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। सारे पॉइंट यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं, कितना रूट है, 137 किलोमीटर का है, 3-4 करोड़ की कॉस्ट है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है, बनिहाल से बारामूला तक चलेगी, 2 अक्टूबर को इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी, जम्मू कश्मीर की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे, है ना डियर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे, है ना, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या पॉइंट है। ये वही पॉइंट यहाँ पर बोले गए भाई, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करें तो उत्तर रेलवे में 137 किलोमीटर के लंबे बनिहाल बारामूला कॉरिडोर को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू की गई है, है ना डियर। और ये बिल्कुल, तो किस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं फटाफट से एक बार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन बनिहाल टू बारामूला, है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, यानी इनॉग्रेट की जाएगी। कब इनॉग्रेशन होगा इसका, 2 अक्टूबर को, ठीक है डियर, 2 अक्टूबर को। इस तरह से जो भी न्यू ईयर है या फर्स्ट टाइम सेशन को देख रहे हैं डियर, हम जो भी न्यूज रहती है उसको ऐसे पॉइंट्स में कनेक्ट करते हैं, और ये पॉइंट्स हमें आसानी से ध्यान रहते हैं क्योंकि हम पिक्चर्स के फॉर्म में इसको कनेक्ट करके चलते हैं। ओके, अरविंद नाम से हैं, बोल रहे हैं प्लीज सर डियर क्या चीज, अपराजिता तिवारी, जम्मू कश्मीर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है बनिहाल टू बारामूला। ओके अरविंद नाम से हैं, सर जी गुड मॉर्निंग, मेरा बीपीएससी का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। डियर बिल्कुल बीपीएससी का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है, आप सही डिटेल्स डालिए, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है कि शो नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा होगा कि डिटेल्स वगैरह आ जाएगी आपका एग्जाम होने से, ऐसा तो रूल नहीं है उसमें कि एग्जाम होने से 2 से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं, बीपीएससी का मुझे क्लियरली कंफर्म नहीं है, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं जिनका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि आपका एग्जाम किस डेट पर है, लेकिन जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं वो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले ही आपके डाउनलोड होते हैं, ऐसा कुछ इशू होगा, ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो, ठीक है डियर, ये एक फिजिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसी तरह के फैक्ट देखें, एक बार पता करें इसको, ठीक है। चलिए बिल्कुल राधे राधे डियर, बिल्कुल राधे राधे डियर। चलिए बिल्कुल फर्स्ट न्यूज पर आए हम, जम्मू कश्मीर फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, है ना, 2 अक्टूबर को इनॉग्रेट होगी, इनॉग्रेशन हरी झंडी दिखाई जाएगी, बनिहाल टू बारामूला तक चलेगी। किलोमीटर कितना है डियर, 137 किलोमीटर है, 137 किलोमीटर का रूट है, है ना। कॉस्ट कितनी आई है डियर, 3-4 करोड़ की कॉस्ट है इसकी, 3-4 करोड़, बस इतने पॉइंट ओवरऑल हमारे सारे पॉइंट्स हो गए डिस्कस, है ना, 3-4 करोड़, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पॉइंट निकल कर आएंगे, 3-4 करोड़, ठीक है, 324 करोड़।
तो इस तरह से हम लोग जो भी न्यू ईयर एंड ईयर समझते चले, इस तरह से हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स करेक्ट करते हैं। जैसे हम न्यूज को भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर मैं अगर बात करूं क्या है कि भाई न्यूज आपके लिए लेकर आना जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो और उसको इतना आसान बनाना, इतना सिंपल बनाना कि आप समझ सको और ऐसा आसान बनाना कि आप लॉन्ग टाइम तक उसे याद रख सको। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। जी हाँ, देखिए अपराजिता तिवारी ने आंसर किया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो मेल पे आ जाएगा, ईमेल पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो यार इस परियोजना पर अगस्त 2019 से काम चल रहा था। आरएस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियर बिट्टू कुमार ने कहा है कि परियोजना सितंबर तक उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगी क्योंकि विद्युतीकरण का 90% काम पूरा हो चुका है, 90% काम पूरा हो चुका है। यार ये जो प्रोजेक्ट था, इसको प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया था, तो ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ था अगस्त 2019 में। ठीक है, अगस्त 2019 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था, है ना, अगस्त 2019 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इस पे काम करना शुरू किया गया था, 90% हो चुका है, 2 अक्टूबर को डिसाइड किया गया है इसको हरी झंडी दिखाने के लिए। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बहुत ही सिंपल सी न्यूज थी, सारे पॉइंट्स आए हो आपको क्लियर हुए होंगे डियर, है ना, बिल्कुल फटाफट से अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल लिंक आपने शेयर कर दिया है, तो बस फोकस करिए किस पर, न्यूज पर। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आज सेशन डिले हुआ है ना, लेकिन आई होप अब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है ना। कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं, टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं इस वजह से। ठीक है डियर, तो बिल्कुल अब कनेक्ट हो जाइए। फर्स्ट न्यूज हम चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज बिल्कुल डियर सीधी सी न्यूज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी, इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी की बात हो रही है डियर, अजय कुमार भल्ला जी की बात हो रही है, और इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे डियर। यूनियन होम सेक्रेटरी है, गृह सचिव है ये, और डियर इनका कार्यकाल जो है ये 2 से अधिक बार तक क्या किया जा चुका है, एक्सटेंड किया जा चुका है। और अगेन फिर से हमें एक बार देखने को मिल रहा है कि इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन मिल गया है इनको, और इनको 1 ईयर के लिए फिर से एक बार एक्सटेंशन मिल गया है, 1 ईयर के लिए फिर से इनको एक्सटेंशन मिल गया है। यूनियन होम सेक्रेटरी है, अजय कुमार भल्ला जी हैं, इनको गृह सचिव के पद पर कार्यरत हैं, और इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, 1 ईयर का एक्सटेंशन इनको मिल गया है, 1 ईयर एक्सटेंशन फिर से इनको मिल गया है, 1 ईयर एक्सटेंशन। ठीक है डियर, चलिए तो देखते हैं कैसे क्या पॉइंट निकल कर आएंगे। तो भाई सबसे पहले तो आपका होम सेक्रेटरी है ना, बिल्कुल अजय कुमार भल्ला जी हैं होम सेक्रेटरी, अजय कुमार भल्ला, 1 ईयर एक्सटेंशन मिल गया है इनको, 1 ईयर एक्सटेंशन इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, होम सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, ठीक है, तो केंद्र ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के 22 अगस्त 2024 तक 1 साल का कार्य विस्तार दे दिया है, और ये एक्सटेंशन इनका जो कार्यकाल अब हो गया है वो 22 अगस्त 2024 तक रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद क्या कोई पॉइंट है डियर, अगर हम बात करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, द डिसीजन जो लिया है, ये अनाउंसमेंट आया है, तो ये नोटिफिकेशन किसकी तरफ से आया है, डीओपीटी की तरफ से, और ये डीओपीटी क्या होता है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है डियर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। ठीक है, तो होम सेक्रेटरी है हमारे अजय कुमार भल्ला जी हैं, एक्सटेंशन मिला है 1 ईयर का, 22 अगस्त 2024 तक। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर। अगर इतने पॉइंट्स क्लियर होते चल रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले सेशन को, है ना, लाइक करते चले, भाई कहना ना पड़ा करे, लाइक कर दिया करो, है ना, लाइक कर दिया करो, आपका लाइक हमें इंस्पायर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक कर दिया करें, है ना, और सेशन आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर ही चुके हैं, बिल्कुल फोकस करते हुए चले न्यूज पर। आई होप इतने पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। ओके, काजल जी बोल रही है सर, जो 9 अगस्त को आईबीपीएस पीओ का बैच स्टार्ट होने वाला था वो बैच स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? नहीं डियर, आगे एक्सटेंड हो गया होगा अगर अभी तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने 9 अगस्त से भी कई बार देखा बट मिला नहीं है। हाँ डियर, आगे एक्सटेंड हो गया होगा 1 वीक अप्रॉक्स, अगर आपको नहीं मिला है तो। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन एडमिन पार्ट पे रहती है डियर, है ना। ओके,
चलिए बहुत अच्छे डियर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अपराजिता तिवारी बिल्कुल टाइप भी कर रही हैं, वेरी गुड डियर, है ना। प्रतीक्षा भी प्रतीक्षा थापा ओके बोल रही हैं, ओके डियर बहुत अच्छे। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है, सेकंड न्यूज पर हम लोग बहुत ही सिंपल सा। चले डियर नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए, एज अ इन्फॉर्मेशन ये पॉइंट्स दिए हैं, बहुत ज्यादा हमें एज अ इन्फॉर्मेशन इनको देखना है क्या पॉइंट बोल रहे हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है ना ACC कैबिनेट अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द दिस एक्सटेंशन मार्किंग द फोर्थ टाइम, भाई फोर्थ टाइम ये एक्सटेंशन हुआ है, फोर्थ टाइम ये एक्सटेंशन हुआ है, कितने टाइम हुआ है, चौथी बार ये एक्सटेंशन हुआ है, भल्ला जी का टेन्योर एक्सटेंड किया गया। ओरिजिनली अगर हम बात करें रिटायरमेंट इनका हो रहा था नवंबर 2020 में, लेकिन अभी तक ये है ना आफ्टर अ टू ईयर टर्म हिज टेन्योर हिज फर्स्ट एक्सटेंशन मिला था इनको, फिर अक्टूबर 2017 से 2020 तक अंटिल 22 अगस्त 2021 हुआ, फिर आगे बढ़ गया। तो ये एज अ इन्फॉर्मेशन चीजें दी हैं, यहां तक ऐसा कोई बात नहीं है, है ना। बिल्कुल हमें केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है जो अभी हम देख चुके हैं, होम सेक्रेटरी 1 ईयर एक्सटेंशन, है ना, सेम चीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डियर निकल कर आ रही है, बात हो रही है NAL की। NAL दैट इज क्या है, NAL है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, नाम से ही क्लियर हो रहा है डियर। एरोस्पेस लेबोरेटरीज की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है जल दोस्त एयरबोट, एक जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया गया। अब ये जल दोस्त एयरबोट क्या है, ध्यान से देखो यहीं पर समझ लो, कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे पूछा जाए जल दोस्त एयरबोट क्या है तो आप समझ जाएंगे, जल दोस्त एयरबोट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये डियर क्या काम करेगा, ये काम करेगा जो भी हमारे आपके हमारे क्या होते हैं शिप होते हैं उनके लिए जो भी कचरा होता है ना, जो नदी में हम बात करें, रिवर्स में बात करें, कैनाल्स में बात करें, बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको ये हटाने की बात करेगा, उसको क्लीन करने की बात करेगा, उसको पूरी तरह से हटाने का काम करेगा। इसीलिए इसको जल दोस्त एयरबोट बोला गया है, जल दोस्त एयरबोट बोला गया है। जो भी ग्लिचेस होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, जो भी हर्डल्स होंगे, जो भी गंदगी होगी, जो भी कचरे होंगे, फाइनली उसको ये साफ करने का काम करेगा कौन, जल दोस्त एयरबोट, ठीक है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डियर एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कैसे, ये होगा क्या, ये अनमैंड होगा। जैसे अनमैंड एरियल व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे हम क्या बोल देते हैं भाई, ड्रोन बोल देते हैं ना, अनमैंड एरियल व्हीकल, तो ये अनमैंड होगा, इसमें कोई भी पर्सन नहीं रहेगा जो करेगा, ये ऑटोमेटिक अपनी सारी चीजें करेगा। अनमैंड जल दोस्त एयरबोट रहेगा, अनमैंड एयरबोट रहेगा ये, ठीक है, और इसके द्वारा सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट, है ना, क्या पॉइंट एडिशनल यहाँ पर आएंगे। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, तो सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख लेते हैं, NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा लॉन्चिंग हुई है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड क्या लॉन्च किया भाई, लॉन्च्ड जल दोस्त एयरबोट, जल दोस्त एयरबोट। और ये जल दोस्त एयरबोट डियर है क्या, जैसा मैंने अभी बताया आपको, अनमैंड एरियल व्हीकल होगा, अनमैंड एरियल व्हीकल, अनमैंड एरियल व्हीकल होगा, है ना, अनमैंड एरियल व्हीकल होगा। इज डिजाइन टू सपोर्ट वाटर बेस्ड मिशन, वाटर बेस्ड मिशन रहेंगे इसके, सच एज मॉनिटरिंग करेगा, सर्वे करेगा वाटर बॉडीज का, रिवर्स का, रिजर्वायर्स का, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल टूल फॉर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करेगा ये, ठीक है। वाटर टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया एंड इसराइल के बीच में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है, बिल्कुल डियर बहुत सही। प्रिंस मिश्रा एडिशनल पॉइंट भी बता रहे हैं, वेरी गुड डियर, जल दोस्त एयरपोर्ट। चलिए बिल्कुल, तो यहां पर बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज लॉन्चिंग हुई है जल दोस्त एयरपोर्ट की, क्या है, अनमैन एरियल व्हीकल है ना, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करने का काम करेगा, ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करने का काम करेगा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले, द फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज जल दोस्त an airboat that operates on water, it is designed to remove excess aquatic wet and floating waste from water bodies, pehle hi aapko bola ye airboat hai jo ki aapka pani par rahega, and designed to remove excess aquatic atriktiye jaliye kharpatwar ho gaye, tarte hue kachre ho gaye, unko hatane ke liye design kiya gaya hai, bahut hi simple seedha sa aapko point dhyan rakhna hai, theek hai। chaliye next news ki taraf chale, next news here bilkul justice naam aa raha hai, nyayamurti shubhashish तालापात्रा का, शुभाशीष तालापात्रा, जस्टिस शुभाशीष तालापात्रा को उड़ीसा
उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है, है ना। 33rd आपके न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। इनका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, हमें ध्यान रखना होगा। डायरेक्टली अपॉइंटमेंट से न्यूज आ रही है डियर, न्यायमूर्ति सुभाषीष तालापात्रा, ठीक है, जस्टिस सुभाषीष तालापात्रा। तो बिल्कुल इनके नाम को हमें फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, जस्टिस सुभाषीष तालापात्रा, सुभाषीष तालापात्रा, जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट, है ना। इनको शपथ ली है इन्होंने किस नंबर के, 33rd चीफ जस्टिस, 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा, ठीक है, 33rd चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा। डियर अगर हम बात करें इनको शपथ किसने दिलाई, तो हम बात करें उड़ीसा के गवर्नर साहब हैं गणेशी लाल, है ना, गवर्नर गणेशी लाल जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, है ना डियर, ये रिप्लेस भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनसे पहले यहां पर कौन थे जो चीफ जस्टिस के रूप में चीजों को देख रहे थे, तो रिप्लेस इन्होंने किसको किया है, तो रिप्लेस किया है जस्टिस एस मुरलीधर, जस्टिस एस मुरलीधर का स्थान इन्होंने लिया है, जस्टिस एस मुरलीधर, ठीक है, और ये रिटायर्ड हो चुके हैं एस मुरलीधर 7th August 1923 को, ठीक है डियर, बहुत ही सिंपल सा। तो बस कोई भी अपॉइंटमेंट आता है डायरेक्टली, तो डियर हमें यही पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, जस्टिस सुभाषीष तालापात्रा 33rd ऑफ उड़ीसा के जस्टिस बने हैं, इन्होंने फाइनली हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं और इन्होंने शपथ ले ली है। शपथ किसने दिलाई है, गणेशी लाल जी ने दिलाई है। और डियर अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम हाई कोर्ट की संख्या ऑल ओवर इंडिया में कितनी है, 25 है, ठीक है। और अभी गुजरात कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर, बिल्कुल मेरे मुंह से निकली है, गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में हमें गुजरात हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, तो हमें फर्स्ट प्रेजेंट टाइम अगर बात करें सारे हाई कोर्ट्स में हमें जो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस देखने को मिलेंगी वो कहां पर है, वो गुजरात में है। उनका नाम क्या है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी कुछ ही दिन, शायद लास्ट वीक या अप्रोक्स 7 से 8 दिन हुए, हम लोगों ने ये न्यूज भी डिस्कस की थी, उनका नाम क्या है आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है डियर। चलिए वेरी गुड, है ना, हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गई है, 25 है टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अगर हम प्रेजेंट टाइम बात करें डियर, है ना। तो सुभाषीष तालापात्रा का नाम ध्यान रखना है, एस श्रीधर जी को इन्होंने रिप्लेस किया है, है ना, और गणेशी लाल जी ने इनको शपथ दिला दी है। उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है डियर, चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट इज। अगर हम बात करें डियर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट डियर इसको लेकर बहुत ही एक, आपने इससे पहले सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम जो है उससे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम से इस पद के लिए जस्टिस तालापात्रा के नाम को मंजूरी दी है। जो कॉलेजियम सिस्टम है इसी से जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है या उनको नियुक्त किया जाता है, उनको अप्रूवल दिया जाता है कॉलेजियम सिस्टम जो है। इस पर कई बार बहुत सारी बातें उठती रही हैं कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, और डियर आप सभी जानते हैं एनजेएसी जो था, लेकिन इसे नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाया गया था, लेकिन इसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या खत्म कर दिया गया, इसे वैलिड करार नहीं दिया गया था। लेकिन इसे पता होना चाहिए आपको, एनजेएसी आया था अपॉइंटमेंट के लिए, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से देखिए, बहुत सही श्यामोलिमा फुकन ने बिल्कुल राइट आंसर दे दिया है, जस्टिस सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल जी का नाम इंपॉर्टेंट देखिए हो जाएगा। ये पहला प्रेजेंट टाइम अगर जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सभी में बात करें, तो ये फर्स्ट ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर हमारी फीमेल है, ठीक है। ओके चलिए, वेरी गुड डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। बस आप सभी का इसी तरह से कॉपरेशन बना रहे, आप सभी का ये प्यार है जो इतनी अच्छे तरीके से चीजें डिस्कस होती हैं और सेशन बहुत ही अच्छे से बना रहता है, ठीक है। चलिए थैंक यू डियर, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें डियर। तो देखिए एक एक्सरसाइज आ रही है, जस्टिस सुनीता अग्रवाल, देखिए सुरभि सिन्हा भी बता रही है, बहुत अच्छा डियर, आप लोग ये फैक्ट ध्यान रखते हैं। तो आप सभी भी देखिए, अब यहाँ पे कॉपरेशन से होता है डियर, है ना, आप अगर कमेंट पे आंसर करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाते हैं। सुनीता अग्रवाल ये चीफ जस्टिस है गुजरात हाईकोर्ट की, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया आपको, है ना, और ये हमारे जो हाईकोर्ट है वो पहला ऐसा हाईकोर्ट है जहां पर हमें फीमेल जस्टिस देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो दूसरे नंबर की फीमेल जस्टिस है, इससे पहले भी एक आपकी फीमेल जस्टिस हो चुकी है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, है ना। प्रेजेंट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, बहुत अच्छे, देखिए प्रिंस मिश्रा जी ने एक और पॉइंट निकाल दिया, चलिए यहां से भी हम डिस्कस कर ले। अगर डियर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के टोटल नंबर ऑफ जजेस की टोटल संख्या कितनी हो सकती है बताइए, सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या कितनी हो सकती है, 34 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम है कितनी, 33 है ना, यानी एक चीफ जस्टिस है और 32 अदर जस्टिस है, ठीक है, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश है ना, और इसके अलावा अब देखिए यहां पर ये मत समझिएगा ये सबके टॉप है ये कम है, सभी सेम पद पर है, लेकिन इन सभी में मुख्य कौन है, कौन है बताइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छे अपराजिता तिवारी बता रही हैं, आशीष जितेंद्र देसाई जी की इन्होंने जगह ली है, सुनीता अग्रवाल जी ने, जी हाँ बिल्कुल ली है, गुजरात में इससे पहले एक और हाई कोर्ट की एक और महिला न्यायाधीश हो चुकी हैं और ये दूसरे नंबर की महिला न्यायाधीश है, ठीक है। तो डियर सुप्रीम कोर्ट के टोटल नंबर ऑफ जजों की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 34 हो सकती है, प्रेजेंट टाइम कितनी है, 33 है, एक आपके चीफ जस्टिस और 32 अदर, ठीक है, अदर जस्टिस, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बिल्कुल आ ही चुके हैं आप देख पा रहे हैं डियर, और बताइए ये देखते हुए आपको क्या ध्यान आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में है ना, तो बात आ रही है डियर ऑस्ट्रेलिया ध्यान आ रहा है, कैनबरा ध्यान आ रहा है, सिडनी ध्यान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के सिटीज ध्यान आ रहे हैं, और आपको जो ये पिक्चर दिख रही है आप समझ पा रहे होंगे किसकी है, तो ये एक्सरसाइज की बात हो रही है डियर, एक्सरसाइज की बात हो रही है ना, एक्सरसाइज की बात हो रही है डियर यहां पर, और एक्सरसाइज हो रही है मालाबार एक्सरसाइज की बात हो रही है, और ये मालाबार एक्सरसाइज है डियर मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज हम लोगों ने लास्ट वीक अगर हम बात करें सारी एक्सरसाइजेस ऑल ओवर देख ली थी मैक्सिमम है ना, अप्रोक्स हम लोगों ने 70 से 75 तक एक्सरसाइज देखी थी कंटिन्यू, हम लोग स्टैटिक जीके के पार्ट पे सारी एक्सरसाइजेस के नेम लेकर आते थे है ना, जितनी भी एक्सरसाइजेस थी उन सभी के नेम हम लोगों ने देखे थे है ना, ठीक है। और इसके साथ ही ये मालाबार एक्सरसाइज जो है डियर ये बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये मालाबार एक्सरसाइज जो है इसमें चार देश हैं जो मिलकर इस एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं, कौन से चार देश हैं, क्वाड ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, क्वाड ग्रुप में कौन कौन से कंट्रीज है बताइए, क्वाड ग्रुप का नाम सुना है भाई, क्वाड ग्रुप चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया था है ना, चाइना का बढ़ता हुआ आधिपत्य उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्वाड ग्रुप बनाया गया था, क्वाड ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं फटाफट से बताएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, क्वाड ग्रुप बनाया गया था, फोर कंट्रीज थे और एक तो क्लू भाई क्वाड ग्रुप की बात हो रही है, इंडिया तो इसका मेंबर था ही था है ना, और कौन है कंट्रीज वो बताइए आप फटाफट से, फिर हम लोग देखते हैं है ना। तो मालाबार एक्सरसाइज को डियर डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज सिडनी में हो रही है, सिडनी में होने वाली है, होने वाली क्या आज से शुरू हो गई, बिल्कुल 11th of August है आज, 11th of August से 21st August तक ये एक्सरसाइज चलेगी है ना, मालाबार एक्सरसाइज का नाम है, कौन कौन से कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो भी बिल्कुल हम देखेंगे डियर, तो मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है डियर, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। और ये एक्सरसाइज डियर कहां पर होने वाली है, इस बार ये एक्सरसाइज हो रही है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित की जा रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है, ये एक्सरसाइज कब से कब तक होगी, 11th से 21st August तक ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिलेगी, 11th से 21st August तक ये देखने को मिलेगी, ये मालाबार एक्सरसाइज में फोर कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से फोर कंट्री हैं, तो इंडिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है, एंड आपका यूएस है, एंड आपका कौन है, जापान है, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे मैंने क्यों नाम लिया था क्वाड ग्रुप का, क्योंकि ये जो चार कंट्रीज है यही मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं और यही चार कंट्रीज हैं जो हमारे क्वाड ग्रुप के भी मेंबर्स हैं, यानी इंडिया है, जापान है ना, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, और आपका यूएस है। अब शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो सर ये क्वाड ग्रुप क्या है, आपने बताया है ना, क्वाड ग्रुप क्या ये है क्या, डियर मैंने पहले ही बताया इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के बढ़ते हुए आधिपत्य को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, या एक उसके लिए अलायंस के रूप में, उसके कॉम्पिटिटर के रूप में चारों कंट्रीज मिलकर आपके आए, जो इंटरनेशनल एक होता है चीजें होती हैं उनको क्या करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए, चाइना के बढ़ते हुए आधिपत्य और बढ़ते हुए चीजों को कंट्रोल करने के लिए। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वाड ग्रुप, देखिए यहां पर टाइप करके बिल्कुल आंसर्स आए हैं आप सभी के, क्वाड शशांक जायसवाल ने लिखा है, और इसके बाद में प्रिंस मिश्रा जी ने यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले बताया, फिर श्यामल इमाम फूकन ने बताया है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस है, एक कंट्री तो मैंने ही बता दिया था, सुरभि सिन्हा बोल रही है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान, वेरी गुड डियर, अलॉन्ग विद इंडिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, काजल ने भी टाइप किया है बहुत अच्छे, शशांक जायसवाल ने भी टाइप किया है बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसके बाद प्रतीक गुप्ता भी टाइप कर रहे हैं, इन्होंने भी टाइप करके बताया बहुत अच्छे, अपराजिता तिवारी ने भी टाइप किया बहुत अच्छे, मालाबार एक्सरसाइज तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जी हाँ डियर वही मैंने बोला मल्टीलेटरल, बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, कभी कभी ध्यान देना मैं इस तरह से बोलता हूँ कि क्या मालाबार एक्सरसाइज बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, फोर कंट्रीज मिलकर एक्सरसाइज को कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज सिडनी में होने वाली है और 11th of August से 21st August तक आयोजित की जा रही है, ठीक है डियर। चलिए तो क्वाड ग्रुप भी ध्यान हो गया और मालाबार एक्सरसाइज भी आपको ध्यान रहेगी, जिन लोगों को पता था बहुत अच्छा वेल डन, और जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया है डियर है ना।
अब ये मालाबार एक्सरसाइज जो है डियर, ये कौन सा एडिशन है ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। तो ये कौन सा एडिशन है, ये 31st एडिशन है। कौन सा एडिशन है डियर मालाबार एक्सरसाइज का, 31st एडिशन है, 31वां संस्करण है, 31st एडिशन है, 31st एडिशन है, ठीक है डियर, 31st एडिशन है। और ये ऑस्ट्रेलिया में इस साल पहली बार हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज हो रही है, फर्स्ट टाइम हेल्ड हो रही है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, फर्स्ट टाइम ये ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हो रही है, ठीक है डियर। चलिए आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट ईयर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 7 से 9 नवंबर तक होने वाले समुद्री ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित किया है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने इनविटेशन दिया है, इनवाइट किया है इंडिया को मैरीटाइम एनर्जी समिट के लिए, ठीक है। तो यहां पर यह भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये आगे होने वाला है ना, ऑस्ट्रेलिया ने इन्वाइट किया है, ऑस्ट्रेलिया इन्वाइटेड इंडिया, इंडिया को इन्वाइट किया है डियर। और किसके लिए इन्वाइट किया है भाई, चलिए देखते हैं फटाफट से, इन्वाइट किया है आपका किसके लिए, मैरीटाइम एनर्जी समिट होने वाली है, मैरीटाइम एनर्जी समिट, मैरीटाइम एनर्जी समिट में इन्वाइट किया है इंडिया को, मैरीटाइम एनर्जी समिट, मैरीटाइम एनर्जी समिट जो 7 से 9 नवंबर तक होगी, इसमें इन्वाइट किया है इंडिया को, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहे हैं, यह अभ्यास बड़े एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्र में होगा, जो सिडनी में होगा, सिडनी में 100 मील की कुछ दूरी पर फैला हुआ है, इसमें एक बंदरगाह समुद्री चरण। तो ये एज अ इन्फॉर्मेशन है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, आप सभी को न्यूज क्लियर हो रही होगी, जो भी फर्स्ट टाइम आए होंगे उन्हें भी न्यूज क्लियर हो रही होंगी डियर, है ना। अगर न्यूज क्लियर होती चल रही है तो फटाफट से जो भी लोग देख रहे हैं फटाफट से क्या कर दें, बिल्कुल सेशन को लाइक करते चले, और इसी के साथ फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट यहां पर बोल रहे हैं, मालाबार अभ्यास के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय, बिल्कुल डियर, अगर हम भारत और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बायोलेटरल एक्सरसाइज भी होती है, बायोलेटरल तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बायोलेटरल एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं इसी के साथ ही, है ना, क्योंकि जब बात हो ही रही है तो फिर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बायोलेटरल एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। नेवल एक्सरसाइज जो होती है, बायोलेटरल नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज जो होती है, नेवल एक्सरसाइज जो होती है डियर, उसका नाम क्या है, ऑसिंडेक्स, नाम क्या है डियर, ऑसिंडेक्स, ठीक है, ऑसिंडेक्स मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑस इंडेक्स, ठीक है, ऑस इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया लगा दो, ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, ठीक है, ऑस इंडेक्स, ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाली नेवल एक्सरसाइज है ये, बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, कैसी होती है, बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए चलिए इसी के साथ ही डियर हम बात करते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट डियर आ रहा है, देखिए अपॉइंटमेंट से न्यूज आ रही है, और ये बात हो रही है वैभव तनेजा की, वैभव तनेजा को टेस्ला ने मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया है, सीएफओ बना दिया है, डायरेक्टली वन लाइनर पॉइंट है, एज अपॉइंटमेंट है वैभव तनेजा। तो चलिए फटाफट से हम लोग कनेक्ट करेंगे वैभव तनेजा जी का नाम, वैभव तनेजा, वैभव तनेजा, वैभव तनेजा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और डियर ये अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट, और ये अपॉइंटमेंट कहां पर है डियर, टेस्ला, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। तो भारतीय मूल के वैभव तनेजा जी हैं, देखिए इंडियन ऑरिजिन का जो भी हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपॉइंटमेंट, और ये आप सभी जानते हैं कितने अधिक अपॉइंटमेंट्स न्यूज में रहते हैं, है ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होता ही रहता है ना, बल्कि कभी कभी होते हैं कि 2-3 अपॉइंटमेंट देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी इंडियन ऑरिजिन के, कभी कभी होता है कि हमें 2 से 3-4 दिन में देखने को मिलते ही रहते हैं। वैभव तनेजा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है टेस्ला में एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में, है ना, एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है डियर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो बस नाम ध्यान रखना है आपको वैभव तनेजा जी का। इसके बाद ही बात करें, 7 अगस्त 2023 को उनकी नियुक्ति तब हुई है जब पिछले वित्त प्रमुख अगर हम बात करें तो जो हैं वो हैं आपके जाचरी किरखोन, जाचरी किरखोन, यानी वैभव तनेजा जी ने जो रिप्लेस किया है वो किसे किया है, तो रिप्लेस जो किया है वो भी नाम हमें ध्यान रखना चाहिए डियर, जाचरी किरखोन, है ना, जाचरी किरखोन, इनका नाम ध्यान रखना है, इनको रिप्लेस किया है, ठीक है, जाचरी किरखोन, जाचरी किरखोन,
जाचरी किरखोन, जाचरी किरखोन को रिप्लेस किया है किसने, वैभव तनेजा जी ने, ठीक है, एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इनसे पहले कौन थे, जाचरी किरखोन थे, किरखोन थे, ठीक है। चलिए आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, है ना। चलिए नेक्स्ट इज बात करें रूस, भैया हम बात करें बिल्कुल अपने चंद्रयान 3 की, तो हमारा चंद्रयान बिल्कुल जैसा आप सभी को पता है फर्स्ट वीक में ही ये बिल्कुल चंद्रमा की कक्षा में बिल्कुल पहुंच चुका है, और अब इसे थर्ड ऑर्बिट में पहुंचाने की, लास्ट ऑर्बिट में पहुंचाने की बात हो रही है, और बहुत ही जल्द हमें ये ऑर्बिट देखने को मिलेगा। भाई हमारा 23 अगस्त को है ना डेट जो डिसाइड की गई है, 22nd या 23rd बोला गया, 23rd को फाइनली हमारा जो चंद्रयान है, चंद्रयान 3 है, वो साउथ पोल पर क्या सफल लैंडिंग बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल ऐसी कामनाएं हैं, और अभी तक बिल्कुल बस हमें इंतजार है उस दिन का, है ना, हम सभी को इंतजार है, है ना, हम सभी को इंतजार है डियर। इसी के साथ ही अगर हम बात करें, रशिया का एक प्रोजेक्ट था जो कि बहुत टाइम से डिले होता चला आ रहा था, उस प्रोजेक्ट को रशिया ने बिल्कुल यहां पर लूना, जिसको नाम दिया था लूना नाम दिया था, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है बिल्कुल। रशिया अनाउंस्ड प्लान टू लॉन्च लूनर लैंडर दिस वीक, रूस ने इस सप्ताह चंद्र लैंडर लॉन्च करने की योजना की घोषणा कर दी, और डियर हम आज ही के दिन बात करें तो इसने ये आज लॉन्चिंग हो गई होगी मॉर्निंग में, है ना, रशियन लूनर लैंडर, वन स्मॉल स्टेप रशिया ने ले लिया है, और फाइनली इंडिया के साथ साथ रशिया भी साथ ही में पहुंच रहा है, रशिया बल्कि हमसे पहले पहुंच जाएगा मे बी, जैसा इनका प्लान है। रशियाज स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मोस, अगर रॉस कॉस्मोस की बात करें, जैसे हमारे यहाँ इसरो है ना, वैसे ही वहां पे क्या है आपका, वहां पे रूस कॉस्मोस, रॉस कॉस्मोस है, रॉस कॉस्मोस है, तो रशियाज स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मोस ने क्या बोला है, लूना 25 लैंडर विल बी लॉन्च्ड इन द अर्ली आवर ऑफ द 11th of August, यानी 11th of August को अर्ली मॉर्निंग में ये रूस कॉस्मोस के द्वारा, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है ना, उसके द्वारा लूना को क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है रूस कॉस्मोस, रूस कॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी है, और लूना 25, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है रशिया का ये प्रोजेक्ट था बहुत ही पहले, है ना, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रूस कॉस्मोस ने कहा लूना 25 लैंडर को 11th ऑफ अगस्त की सुबह क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, रशियन स्पेस एजेंसी, रशियाज स्पेस एजेंसी, तो इस तरह से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है डियर। और हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना के साथ अलाइनमेंट होता हुआ दिखा है रशिया का, लास्ट ईयर से ही रशिया ने बोल दिया कि हम चाइना के साथ बहुत सारे स्पेस प्रोजेक्ट पर क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे, है ना, मिलकर काम करेंगे, ठीक है डियर, मिल पर काम करेंगे। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, तो यही बोला है द लॉन्च इज द फर्स्ट मिशन ऑफ मॉस्कोज न्यू लूनर प्रोग्राम है, एंड कम्स एट अ टाइम व्हेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वांट्स टू बूस्ट स्पेस कोऑपरेशन विद चाइना आफ्टर रिलेशंस विद द वेस्ट डेटियोरेटेड फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ द मॉस्कोज ऑफेंसिव इन यूक्रेन लास्ट ईयर ओके, ठीक है, लास्ट ईयर बिल्कुल रशियन स्पेस एजेंसी लास्ट ईयर यही बोला है रशिया ने, जो मैंने आपको बताया कि भाई चाइना के साथ भाई अलाइनमेंट होता हुआ दिख रहा है, चाइना के व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल ही यूक्रेन मॉस्को आक्रामक हमले की शुरुआत के बाद से पश्चिमी संबंध खराब होने के बाद चीन के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये प्रक्षेपण मॉस्को के नए चंद्र कार्यक्रम का पहला मिशन है, न्यू चंद्र कार्यक्रम जो है ना, फर्स्ट मिशन ऑफ मॉस्कोज न्यू लूनर प्रोग्राम, न्यू लूनर प्रोग्राम का ये मिशन है, न्यू लूनर प्रोग्राम, ठीक है, तो वन लाइनर बस इतना ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चले तो ये नेम निकल कर आ रहा है यहाँ पर, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब में अगर हम बात करें, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब WPWH अपॉइंट किया गया है संग्राम सिंह को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, इनको एज अपॉइंट किया गया है, तो नाम आपको ध्यान रखना है संग्राम सिंह, ब्रांड एम्बेसडर एज अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब में, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब में, ठीक है डियर। तो चलिए कैसे पॉइंट कनेक्ट करोगे, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने अपॉइंट किया है संग्राम सिंह एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है डियर, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है संग्राम सिंह को,
ठीक है डियर। और ये अगर संग्राम सिंह की बात करें तो ये बहुत ही आपके आइकॉनिक फिगर हैं, है ना, रेसलिंग कम्युनिटी के लिए, है ना, ये बहुत ही आइकॉनिक हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं डियर ये, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसी के साथ ही हम लोग चले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो डियर बिल्कुल बात हो रही है नीरज चोपड़ा जी की। नीरज चोपड़ा टू लीड इंडियन कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ने डिक्लेयर कर दिया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 2023 में भारतीय दल का जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा जी करेंगे। भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा जी करेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्टिनेंट का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में, है ना, तो फटाफट कैसे कनेक्ट करोगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इंडियन कॉन्टिनेंट को लीड कौन करेगा, नीरज चोपड़ा, ठीक है, लीड द इंडियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडियन कॉन्टिनेंट को लीड कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा जी करेंगे, ठीक है डियर। और चैंपियनशिप में अगर हम बात करें तो ये चैंपियनशिप 19 अगस्त से बुडापेस्ट में शुरू हो रही है। 19 अगस्त से कब शुरू हो रही है, 19 अगस्त से बुडापेस्ट में शुरू हो रही है, ठीक है। और मंत्रालय ने घोषणा भी कर दी है इसके लिए कि मेगा इवेंट में 28 भारतीय एथलीटों को फंड दिया जाएगा, ठीक है। 28 इंडियन एथलीट्स फॉर द मेगा इवेंट में इनको क्या किया गया है, फंड देने की भी बात की गई है। अनाउंस दैट विल बी फंड 28 इंडियन एथलीट्स, ठीक है, एथलीट्स। मेगा इवेंट में 28 भारतीयों को, एथलीटों को फंड भी दिया जाएगा, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो मैचेस विल बी प्लेड टिल 27th ऑफ दिस मंथ। आउट ऑफ 28 कॉम्पिटिटिंग एथलीट्स 15 वुड बी कॉम्पिटिटिंग एट द वर्ल्ड चैंपियन फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। भाई इस महीने के 27 तारीख तक मैच खेले जाएंगे। 28 प्रतिस्पर्धी एथलीटों में से 15 पहली बार चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो डियर मैंने बताया 28 एथलीट्स जो हैं इनको फंड भी दिया जाएगा, है ना, और इनमें से 15 ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है डियर। इसी के साथ हम लोग चले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट डियर बात हो रही है प्रमोद भगत की और सुकांत कदम की। दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने, प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी की अगर हम बात करें तो ये डियर पैरा बैडमिंटन में इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। प्रमोद भगत एंड सुकांत कदम पैरा बैडमिंटन में मेंस डबल्स में इन्होंने क्या किया डियर, गोल्ड विन किया है, ठीक है। विश्व की नंबर एक पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में, है ना, इंग्लैंड के कहां पर ये विन किया है इन्होंने गोल्ड, इंग्लैंड के शेफील्ड में फोर नेशंस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। मेंस डबल्स में इन्होंने क्या दिया है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आई होप डियर इस ये चीज आपको, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो दोनों ही नाम याद रखने, प्रमोद भगत का, सुकांत कदम का। पैरा बैडमिंटन क्या होता है डियर, जहां पर पैरा वर्ड आ जाता है आप सभी जानते हो वो फिजिकली चैलेंज होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, वहां पर जो आपके खेल होते हैं वहां पर हम पैरा वर्ड को ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप सभी को पता होगी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है डियर तो पता चल गई होगी अब आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भाई भगत और कदम की बात करें, इन्हें पुरुष युगल में
किसको हराया है? दीप रंजन बियोसी और मनोज सरकार की भारतीय जोड़ी को ही हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, है ना। भगत और कदम डिफीटेड द इंडियन पेयर ऑफ द दीप रंजन विसोई एंड मनोज सरकार, है ना, टू सिक्योर गोल्ड इन द मेन्स डबल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें यार हम लोग, बिल्कुल। भगत आल्सो सिक्योर्ड अ सिल्वर। भगत ने सिंगल्स में, अगर हम बात करें भगत ने, अब देखो यहां पर और भी पॉइंट आ रहे हैं, और पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। भगत ने सिल्वर विन किया है। सिल्वर किस लिए विन किया? सिंगल्स में इन्होंने सिल्वर विन किया है, ठीक है। मेन्स सिंगल्स में इन्होंने क्या किया है? सिल्वर विन किया है भगत ने, प्रमोद भगत ने, ठीक है, सिंगल्स विन किया है। फिर इसके बाद में कैटेगरी एज अ वेल एज अ सिल्वर इन मिक्स डबल्स, ठीक है। इसके बाद मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल में, मिक्सित युगल में, मिक्स्ड युगल, मिक्स डबल में, मिक्स डबल में क्या हुआ है? मिक्स डबल में भी सिल्वर विन किया गया है, मिक्स डबल में भी सिल्वर विन किया है, ठीक है, मिश्रित युगल में मनीषा रामदास के साथ, है ना। यानी प्रमोद भगत रहे हैं और मनीषा रामदास रही है, मनीषा रामदास और प्रमोद भगत, ठीक है। और मनीषा रामदास के साथ मिक्स डबल्स में भी इन्होंने क्या किया है? सिल्वर विन किया है, है ना। कदम ने एकल में भी वर्ग में कांस्य पदक जीता है, है ना, भारत के एकल वर्ग में रजत, और दूसरी कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक भी, ब्रॉन्ज भी विन किया है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप आई होप बिल्कुल प्रिपेयर रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं यार। चलिए डियर बिल्कुल देखिए क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है काजल, मैं आपको बता दूं, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ये पैरा बैडमिंटन में इंग्लैंड में इन्होंने मेंस डबल में गोल्ड विन किया है, ठीक है काजल, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ एडिशनल और का पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, एडिशनल पॉइंट डियर काजल ये आप याद रख सकते हो कि सिल्वर भी विन किया है इन्होंने सिंगल्स में, मेन्स सिंगल में प्रमोद भगत ने क्या सिल्वर विन किया है, है ना। एक अदर मिक्स डबल्स में, है ना, मिश्रित युगल जो होता है, एक मेल और एक फीमेल प्लेयर होता है ना, तो यहां पर प्रमोद भगत ने मनीषा रामदास के साथ सिल्वर विन किया है, ठीक है। इतना पॉइंट केवल आपको ध्यान रखना है, आई होप बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है डियर। चलिए ये थे हमारे आज का न्यूज का सिलसिला, आई होप आप सभी ने आज की न्यूज को बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा डियर, है ना। इसी के साथ हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके की पार्ट की तरफ, और आज हम देखते हैं स्टैटिक जीके में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शॉर्ट अभी हम लोग अपडेटेड कुछ जो राज्य है हमारे वहां के मुख्यमंत्री, बहुत ही सिंपल आप सभी को जानते ही हैं, गवर्नर्स आपको देख रहे हैं, है ना, मुख्यमंत्री और गवर्नर्स को हम लोग देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में। और चलिए तो देखते हैं आज कौन कौन से स्टेट्स हमारे लिए, तो केरला डियर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। केरला में बात करें तो मुख्यमंत्री साहब आप सभी जानते हैं पिनाराई विजयन है, गवर्नर साहब की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश की बात करें डियर शिवराज सिंह चौहान आप सभी जानते हैं, है ना। और हम गवर्नर की बात करें तो ये है मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल जी यहाँ पे गवर्नर है। गवर्नर हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डियर, ये बिल्कुल जुलाई में अपडेट हुए हैं सारे के सारे स्टेट्स, तो हम लोग वन बाय वन देखते चल रहे हैं, और भी हम लोग स्टैटिक में बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो महाराष्ट्र आ रहा है। महाराष्ट्र में बात करें तो भाई मुख्यमंत्री साहब हैं एकनाथ शिंदे जी, और गवर्नर आपके रमेश बायस हैं, रमेश बायस। मणिपुर की बात करें एन बीरेन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, गवर्नर आपकी अनुसुईया ओके हैं, अनुसुईया ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें डियर, तो मेघालय आ रहा है, मेघालय से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री साहब हो जाएंगे श्री कोनार्ड कोंकल संगमा, कोनार्ड कोंकल संगमा, ठीक है, संगमा के नाम से जानते हैं। गवर्नर की बात करें तो फागु चौहान, ठीक है, फागु चौहान जी आपके यहाँ पे गवर्नर है। मिजोरम की बात करें तो डियर जोरमथंगा, पीयू जोरमथंगा यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री साहब हैं, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें तो हरी बाबू कांबापति हैं, हरी बाबू कांबापति हैं, ठीक है डियर। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए ये स्टैटिक के पार्ट पे आज हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल डियर, प्रिंस मिश्रा क्लास डेली होती है ना, मॉर्निंग 7 AM आपका बिल्कुल क्लास होती है, डेली होती है, ठीक है। तो डेली कनेक्ट हुआ करें, आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या होने वाले। बिल्कुल हाँ डियर, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आ चुकी है, कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले, रेट्स एज वेल एज क्या है, सेम है, जैसा कि हम लोग रैपिड फायर में बिल्कुल डिस्कस करते हैं, और भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगी तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमें क्या कहने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं, क्या ऐसे हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे लिए स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है, और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर एलएमको स्टैंड्स फॉर, अभी हम लोगों ने एक न्यूज डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड फाइनली यहां पर पूछ दिया गया है, एलएमको स्टैंड्स फॉर यहां पर क्या होने वाला है। तो डियर फटाफट से आप लोग बिल्कुल इसका फुल फॉर्म बताएंगे, आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है फटाफट से, है ना। एलएमको और एक और है जिससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी एक न्यूज देखी थी, कुछ एमओयू साइन अप हुए थे उसी से रिलेटेड ये न्यूज थी, तो फटाफट से आप लोग आंसर करिए बिल्कुल, है ना, टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी।
फटाफट से आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर एब्रीवेशन पूछा गया तो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा डियर, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी न्यूज में रहा होता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है डियर आपका, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट फॉर द हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट इन जमशेदपुर, जमशेदपुर में हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के लिए अनुमानित निवेश क्या है? ओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या फिर 350 करोड़। बहुत अच्छे से फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे इस पॉइंट का, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से बताएं कितना अमाउंट है यहाँ पर डियर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है चलिए, बहुत अच्छे, देखिए आंसर आने शुरू हो गए। अगर बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, 350 करोड़ आंसर आपका राइट हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए रैपिड फायर यहीं पर थोड़ा सा हम खेल लेते हैं, पटाइए फटाफट से, बताइए फटाफट से रेट, बताइए फटाफट से, आपको रेट बताना है। रेपो रेट, रेपो रेट प्रेजेंट टाइम कितना, रेपो रेट प्रेजेंट टाइम कितना, ठीक है। रेपो रेट सबसे पहले बताइए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। जो भी रेट्स हैं कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बायमंथली पॉलिसी की रिपोर्ट आ चुकी है। और बायमंथली पॉलिसी रिपोर्ट डियर हर दो महीने में आती है, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आती है, अप्रैल में, अप्रैल के बाद कब देखने को मिलती है, जून में, जून के बाद कब देखने को मिलती है, अगस्त में, तो ये अगस्त में हमें रिपोर्ट देखने को मिली है। यानी ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा, FY24 की थर्ड बायमंथली पॉलिसी की रिपोर्ट आ गई है, थर्ड बायमंथली पॉलिसी रिपोर्ट आई है, बायमंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आ गई है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है डियर। तो फटाफट से रेपो रेट बताएंगे, देखिए रेपो रेट सबसे पहले किसने बताया, प्रिंस मिश्रा ने ही सबसे पहले बताया है, बहुत अच्छे डियर, 6.50 बताया। इसके बाद सार्थक बता रहे हैं, सार्थक तिवारी ने बताया, शशांक जायसवाल ने बताया है, काजल भी बोल रही है, रजत बोल रहे हैं, बिल्कुल मंजीत बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से अमोलिमा फूकन, रेपो रेट 6.50 है, ट्रिपल आर यानी रिवर्स रेपो रेट जिसको अभी 3.35 पे ही स्टे कर दिया गया है डियर। तो सारे रेट्स हम देखने वाले हैं, ये इंटरेस्ट रेट्स एंड पॉलिसी रेट्स हैं, है ना। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ एंड बैंक रेट, एंड हम बात करें एमएसएफ की मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की डियर। अगर हम बात करें रेपो रेट कितना है, 6.50 है, बिल्कुल डियर। और एक रिलेशन भाई आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो डियर मैं बता दूं, रेपो रेट और बैंक रेट में हमेशा रेपो रेट बैंक रेट से कम होगा। बैंक रेट प्रेजेंट टाइम है 6.75% डियर, अभी 25 का बेसिस पॉइंट चल रहा है, जो इन दोनों के बीच में बैलेंस है, जो डिफरेंस है वो 25 बेसिस पॉइंट का है। कितने बेसिस पॉइंट का है, 25 बेसिस पॉइंट का है। अब आप बोलेंगे सर ये बेसिस पॉइंट क्या होता है डियर, 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, 1% में कितने बेसिस पॉइंट होते हैं, 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। और अगर हम बोले एक बेसिस पॉइंट में कितने परसेंट होते हैं, तो 0.01%, है ना, 0.01%। तो 6.75% यानी हमेशा बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होगा, और रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होगा, डिफरेंस है 0.25 का। रिवर्स रेपो रेट को दिया, रोक दिया गया है 3.35 पर, क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा मनी फ्लो बढ़ गया था कोविड की वजह से, तो एक नया टर्म हमारा इजाद हुआ जिसे हम एसडीएफ के नाम से जानते हैं, और एसडीएफ कितना है, 6.25% है। एमएसएफ की बात करें तो एमएसएफ जो बैंक रेट होता है डियर, ये एक फैसिलिटी है, ये कोई रेट नहीं है, ये फैसिलिटी है, और ये फैसिलिटी बैंक रेट पर ही कैलकुलेट की जाती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये 6.75% हो जाएगा, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट्स हैं डियर। इसके बाद में हम बात करें तो रिजर्व, आपके रिजर्व रेशियोज आते हैं, यानी सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर परसेंट में कोई चेंज नहीं है, 4.50% है, और एसएलआर में भी कोई चेंज नहीं है, 18% है। ये आपके रिजर्व रेशियो कहलाते हैं, ये क्या है, आपके रिजर्व रेशियोज हैं, ठीक है, रिजर्व रेशियोज, दो रिजर्व रेशियोज हो गए, और ये सारे इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट्स हैं, ठीक है। तो 6.50 रेपो रेट, 3.35, 6.25 एसडीएफ है, बैंक रेट 6.75, एमएसएफ 6.75। आई होप बिल्कुल इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर इज द ऑफशोर वाइंड फार्म लोकेट वेयर चाइना कमीशन्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन। तो फटाफट बताइए भाई, अपतटीय पवन फार्म कहां स्थित है जहां चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन चालू की है। तो फटाफट बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी के, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। संघाई, फुजायन, फुजैन, बीजिंग या फिर ग्वांगडोंग, ठीक है। तो फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो ये रहा टाइम अप हुआ, राइट आंसर है आपका फुजैन, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फ्रॉम विच डेट विल द 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग बिकम इफेक्टिव? ऑनलाइन गेमिंग 28% टैक्स किस तारीख से प्रभावी होगा? फर्स्ट ऑफ जैन 2023, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023, ये तो इनवैलिड डेट हो गई है, फर्स्ट अक्टूबर 2023 या फिर फर्स्ट दिसंबर 2023। तो डियर फटाफट से बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। एक ऑप्शन पहले ही आपका एलिमिनेट हो गया है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी को आंसर करना है, तो फटाफट से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। और यार इसी के साथ ही जिन्होंने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया भैया लाइक कर दो फटाफट से, है ना, बार बार मत कहलाओ, फटाफट लाइक करो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं है ना। चलिए तो राइट आंसर देखिए क्या निकल कर आ रहा है भाई। राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, जैसा कि आप सभी बिल्कुल आंसर कर रहे हैं। आप सभी आंसर किया करें, जरूर किया करें। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है फिर भी आप आंसर किया करें। डियर जब आप आंसर करते हैं तो उस क्वेश्चन से आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और जब आप किसी भी क्वेश्चन के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो आंसर राइट हो या रॉन्ग, मैंने पहले ही बोला इंपॉर्टेंट स्कोर नहीं है, इंपॉर्टेंट है लर्निंग कि आप क्या सीख रहे हैं। जब आप आंसर करते हैं और राइट होता है तो आपको खुशी होती है, और जब आपको मतलब ही नहीं है, जब आपने आंसर किया ही नहीं, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो सही हो या गलत, और जब गलत होता है तो दुख होता है थोड़ा सा, और फिर सही आंसर आपको हमेशा याद रहता है। तो इस वजह से आंसर करना बहुत जरूरी है। आप सभी करते हैं बहुत अच्छे, जो लोग नहीं करते हैं भाई वो भी किया करें, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, बिल्कुल ये न्यूज भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, योजना नया सवेरा योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? द नया सवेरा योजना इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करें। और ये सेशन कैसा लगता है आप सभी को ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपकी कोई सलाह है, कोई आपका व्यू है तो उसको भी आप बताने की कृपा करें। श्यामल हिमा फुकन बोल रही है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अक्षिता बोल रही है माइनॉरिटी अफेयर्स, ओके, शशांक जसवाल पांचवे का सी बोल रहे हैं, चलिए चलिए, प्रिंस मिश्रा ऑप्शन सी बोल रहे हैं। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर देखिए मोहन कुमार संकोई का भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सार्थक तिवारी बिल्कुल बोल रहे हैं माइनॉरिटी अफेयर्स। चलिए देखते लेते हैं आंसर, जब भाई इतने लोगों ने माइनॉरिटी अफेयर्स कर दिया तो फिर गलत करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। राइट आंसर क्या होगा? माइनॉरिटी अफेयर्स, एकता में बल है, एकता में शक्ति है, है ना। चलिए लेकिन कभी कभी ये एकता क्या हो जाती है, गलत भी हो जाती है, यानी मेजोरिटी किसी एक पॉइंट के साथ जा रही होती है लेकिन वो हमारा राइट आंसर नहीं होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट बीइंग सेटअप बाय एनएलसी इंडिया लिमिटेड एंड द यूपी गवर्नमेंट? एनएलसी इंडिया लिमिटेड और यूपी सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 1980 मेगावाट या फिर 2500 मेगावाट? यार बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, है ना, डिटेल में आप सभी को डिस्कस किया था, ठीक है। बिल्कुल सेशन लाइक करते चले, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो भाई, फटाफट से लाइक करो, ठीक है, और आंसर करो फटाफट से। चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है 1980 मेगावाट, 1980 मेगावाट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हु लॉन्च द पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल अंडर सागर सेतु? सागर सेतु के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? श्री सर्वानंद सोनोवाल, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री नितिन गडकरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है श्री सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा डियर लॉन्च किया गया है सागर सेतु, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लॉन्च किया गया, जिससे पोर्ट्स की हेल्थ को अच्छा किया जा सके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज नामदेव धोनो महानोर? नामदेव धोंडो महानोर कौन थे डियर? बिल्कुल अभी हम लोगों ने ये ऑबिचरी है, ऑबिचरी से हम लोगों का ये क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली पूछा गया है कि ये कौन थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? रेनाउंड साइंटिस्ट, अ मराठी एक्टर, अ फेमस क्रिकेटर, अ नोटेड मराठी पोएट एंड लिरिस्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे डियर। बिल्कुल अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ऑबिचरी से जो भी होते हैं न्यूज वो इसी तरह से हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दी जाती है ना, हमें पता होना चाहिए। चले आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर क्या, तो उससे पहले करना है आप सभी को आंसर, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, अ नोटेड मराठी पोएट है एंड लिरिसिस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे डियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द नागार्जुन विट्टल? नागार्जुन विट्टल कौन थे? तो ये इनका भी अभी हाल ही में बिल्कुल निधन हुआ था, ये भी हमारे लिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है। एन आर्टिस्ट एंड पेंटर, एन ओलंपिक एथलीट,
एंड आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर एंड रेनाउंड म्यूजिशियन। बट माय डियर फटाफट से, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है, लेकिन उससे पहले आप सभी को आंसर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आंसर की तरफ, दिया राइट आंसर हो जाएगा एन आई एस ऑफिसर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं फाइनली, नागार्जुन विट्ठल जी की बात करें अगर हम, ठीक है डियर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदव्रत भराली ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? मेन्स यूथ 48, मेन्स यूथ 67 किलोग्राम कैटेगरी, मेन्स जूनियर 48 कैटेगरी, मेन्स जूनियर 67 किलोग्राम कैटेगरी। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था डियर। चलिए श्यामलिमा फुकन, देखिए बिल्कुल टाइप कर रही है ऑप्शन, बहुत अच्छे डियर, है ना, ये बिल्कुल आपकी एक्टिवनेस दिखाती है, आप कितने एक्टिव हैं। और भैया देखो, कोई भी भैया ऐसा मत करना कि पता बेड पे ही क्लास करने लगो, है ना, थोड़ा सा उठ लेना, मॉर्निंग हो चुकी होती है तो थोड़ा सा उठ जाया करो मॉर्निंग में। हाँ ठीक है, आप नहीं उठ पाते हैं, कोशिश करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स नहीं उठ पाते हैं उनसे बोलिए कि भैया मॉर्निंग उठा करो, 7 बजे तक तो उठ ही जाया करो, 7:45 तक, और 7:45 ब्रश वगैरह करके, है ना, बिल्कुल ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके और बिल्कुल चाय के साथ बिल्कुल सेशन को स्टार्ट कर दिया करो, है ना। चलिए तो चलते हैं बिल्कुल आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर डियर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी, मेंस यूथ 67 किलोग्राम, 67 केजी, है ना, मेंस यूथ 67 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने क्या दिया था, आपका स्वर्ण पदक जीता, ठीक है डियर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आई होप आप सभी ने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, है ना, आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया। प्रिंस वर्मा बोल रहे हैं लाइब्रेरी में है सर, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड, बताइए लाइब्रेरी पहुंच गए हैं ये मॉर्निंग से, है ना, बहुत अच्छे, वेल डन, है ना। कुछ होते हैं रात्रिचर, है ना, रात्रिचर मतलब रात में पढ़ाई करते हैं, है ना, रात में नाइट स्टडीज करते हैं, बिल्कुल डियर, नाइट स्टडीज को मैं बिल्कुल अपोज नहीं करता उसका, ठीक है, लेकिन हाँ एक टाइम तक सो भी जाया करें, मॉर्निंग उठना बहुत जरूरी होता है, तो इस वजह से लेट नाइट स्टडी करो, लेकिन अप्रॉक्स 1 बजे तक 1:30 बजे तक सो जाओ और मॉर्निंग फिर 6:30 बजे तक उठ जाओ, जहां तक मेरा मानना है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है डियर। चलिए चलते हैं कल का जो हमारा क्विज क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं क्या था। तो कल की क्विज क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, 45, और 45 डियर क्या है आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, दो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात की गई थी, यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है डियर, ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है और ये आप ले सकते हैं सेशन एंड अप होने के बाद, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन जो लास्ट था ये था, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सदस्य हैं, और राइट आंसर यहां पर है 45, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, ठीक है डियर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे विनर कौन होने वाले, विनर तो डियर आप सभी हैं, देखिए प्रिंस वर्मा बोल रहे हैं 4:30 पे उठ जाते हैं, बहुत अच्छे डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, है ना, बिल्कुल, जो सूरज को मॉर्निंग में उठा रहा है बहुत अच्छा, सुरभि सिन्हा मार्क्स बोल रही है 10/10 आए हैं, बहुत अच्छे डियर, वेल डन, है ना, आप सभी भी बिल्कुल अपने मार्क्स काउंट किया करिए और कमेंट बॉक्स में बताया करिए, है ना, इससे अकाउंटेबिलिटी बिल्डअप होती है। ओके सुरभि सिन्हा बोल रही है 4 बजे उठ जाती हूँ, ओके वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे भाई, है ना। चलिए इसी के साथ ही एक कॉम्पिटिशन बिल्डअप होता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनता है, हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है डियर, तो बिल्कुल बताया करें, है ना। तो ये चलिए हम चलते हैं अपने विनर की तरफ, आप सभी विनर तो आप सभी हैं, लेकिन रिकॉग्निशन किसे मिला है कल के लिए, तो चलिए देखते हैं हमारे विनर की तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर की तरफ रिकॉग्निशन देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं कल के हमारे जो आज के हमारे फर्स्ट विनर है, तो फर्स्ट विनर में आज नेम आ रहे हैं, 3 पर्सन के नेम आ रहे हैं डियर, आज के हमारे फर्स्ट विनर है प्रतीक्षा थापा, मानवी मित्तल और शशांक जायसवाल, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे वेल्डर, इन्होंने सबसे पहले राइट आंसर किया है, है ना, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट आंसर अगर हमें मिला है, रिसीव हुआ है, तो हमें प्रतीक्षा थापा, मानवी मित्तल और शशांक का, बिल्कुल डियर, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, आप सभी क्लैप करेंगे, आप क्लैप करेंगे इनके लिए, आपके लिए दुनिया क्लैप करेगी डियर, है ना, आपके बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स हैं, हमेशा आपको क्या एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ने पर क्या करना चाहिए, अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। चलिए चलिए चलते हैं सेकंड विनर की तरफ, सेकंड विनर में आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी और अर्पिता सिंह, लक्ष्मी नारायण और अर्पिता सिंह, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल्डन, आप सभी क्लैप करेंगे, लक्ष्मी नारायण एंड अर्पिता सिंह, बहुत अच्छे, इनका भी बिल्कुल राइट आंसर है और सेकंड नंबर पर हमारे आज के सेकंड विनर है। चलिए चलते हैं थर्ड विनर की तरफ, थर्ड विनर में देखें तो सुरभि सिन्हा, मुस्कान कुमारी और सोनू कुमार, ये हमारे आज के थर्ड विनर है, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल्डन, इनका भी राइट आंसर आया, ये आज के हमारे थर्ड विनर है डियर, बहुत अच्छे, वेल्डन। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ, वॉलंटियर में 3 पर्सन आ रहे हैं, वॉलंटियर में नाम आ रहा है पूर्णिमा पांडे का, फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो ये विनर में, विनर कैटेगरी में अगर मुझे लग रहा है, अगर मुझे ध्यान है, बिल्कुल कंफर्म ध्यान है, तो ये फर्स्ट टाइम ये विनर नेम आ रहा है पूर्णिमा पांडे का, पूर्णिमा पांडे, आस्था जायसवाल और शीनू तिवारी, बिल्कुल ये आज के हमारे वॉलंटियर है डियर, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेल्डन, पूर्णिमा पांडे, आस्था जायसवाल एंड शीनू तिवारी, कॉन्ग्रेट्स।
तो डियर ये थे हमारे आज के विनर। अब हम चलते हैं आज के टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ। लेकिन टुडे क्विज क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी न्यू वियर है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट में हम लोग एक क्विज क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो टुडे क्विज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर आपको सेशन इंडअप होने का इंतजार करना पड़ता है। सेशन इंडअप होने के बाद जैसे ही मेन कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर करना होता है, और राइट आंसर ए बी सी डी ऑप्शन के जरिए नहीं, जो भी यहां पर ऑप्शन में होता है वो आपको राइट स्पेलिंग के साथ टाइप करना होता है। जो सबसे पहले जिसका हमें कमेंट रिसीव होता है सही आंसर के साथ, वो हमारा फर्स्ट विनर होता है, और इसी के साथ हम सेकंड और थर्ड और वॉलंटियर को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। नोमैडिक एलिफेंट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री। डियर नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ भारत का सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो बिल्कुल इंतजार करिए सेशन एंड अप होने का, और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट आंसर के साथ टाइप करिए और रिकॉग्निशन बिल्कुल प्राप्त करिए। कल देखते हैं हमारे कौन से विनर होने वाले हैं, कौन विनर होने वाला है, कौन किसको रिप्लेस करेगा, कौन फर्स्ट प्लेस पर आएगा, कौन सेकंड प्लेस पर आएगा, कौन थर्ड, कौन वॉलंटियर। ठीक है, तो बिल्कुल न्यू नेम भी ऐड होते रहने चाहिए विनर्स में। चलिए डियर, तो बिल्कुल आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें महेंद्राज ऑफिशियल। ठीक है डियर, तो बिल्कुल कीप ऑन, इसी तरह से कीप इट अप, इसी तरह से स्टडीज को करते रहें, कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।